हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो ब्लॉग है मैं स्टार्ट कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग से। तो अभी मॉर्निंग के जो है वो 7 बज रहे हैं, तो अभी मैं फ्रेश वगैरह होके आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दिया है, लेकिन उससे पहले जो है वो मैं गर्म पानी पीती हूँ। तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, भूल गई मैं रिकॉर्ड करना। और उसके बाद में जो है मैं आटा वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि आटा फूल जाता है ना तो सही रहता है। और ये सारे जो काम है ना वो मुझे एक फ़िक्स टाइम में करना पड़ता है, मतलब 8 बजे तक। और मॉर्निंग के टाइम पे शूट करना मेरे लिए किसी टास्क से कम नहीं होता है, क्योंकि एक तो फ़िक्स टाइम होता है जो उनको स्कूल भेजने के लिए, और बाकी सबके लिए खाना वगैरह बनाना ये सब भी ज़रूरी होता है, क्योंकि 8:30 बजे से मम्मी दादी माँ को चाहिए होता है नाश्ता। तो इसीलिए ये सारा कुछ मुझे करना ही पड़ता है, मैं कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर सकती हूँ। तो फटाफट से जो है मैं वो अपने मसाले भी पीस रही हूँ, तो आटा लगा लिया, अभी जो है सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करूँगी। तो आज जो है हमारे घर में पत्ता गोभी की सब्ज़ी बन रही है, और अगर दूसरी सब्ज़ी बनानी होती है ना तो वो मैं नहीं बना पाती हूँ, तो मम्मी बना देती हैं, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है मेरे लिए। तो यहाँ पे चाय बनकर के रेडी हो चुकी है, और चाय में हमने थोड़ा सा तुलसी पत्ता भी डाला है। ठंडी के दिन में तुलसी पत्ता डाल के पियो तो काफ़ी अच्छा होता है। तो चलिए मैं खुद को भी दिखा रही हूँ कि यहाँ पे जो है सब कुछ स्टार्ट कर दिया है। और हमारा जो गीजर है ना वो ख़राब हो गया है, तो हस्बैंड के लिए मैंने साइड में पानी भी रखा है गर्म होने के लिए। तो अभी जो है वो बनने को बोला गया है, तो देखिए कब तक बन जाता है, क्योंकि गीजर के बिना बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर लाइट रहती है तो हम लोग सोचते हैं कि इंडक्शन पे ही गर्म कर लें, तो इसलिए। और अभी जो है मैंने रोटियां बनाई हैं घर के लिए, और अभी जो है फटाफट से पराठे बना रही हूँ। अभी मॉर्निंग के टाइम पे या फिर शाम के टाइम पे थोड़ी बहुत ठंडी लग रही है, बाहर ज़्यादा ठंडी लग रही है, घर में थोड़ी सी कम है। और नीचे जो है वो घर में तो ठंडी लगती ही है, लेकिन दोपहर के टाइम में बाहर ठीक हो जाता है क्योंकि धूप हो जाती है। तो अभी हल्की फुल्की क्या थोड़ी बहुत ठंडी स्टार्ट हो गई है, इसीलिए मैं जॉन को स्वेटर देके भेजती हूँ, क्योंकि स्कूल में ज़्यादा ठंडी लगती है। घर में आप डोर वगैरह बंद करके रखते हो तो थोड़ा सा जो वो रूम है वो वार्म रहता है, तो इसलिए। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं, उसके बाद में जॉन को भी उठाना होता है। जिस दिन वो उठ जाता है उस दिन थोड़ा सा ईजी होता है मेरे लिए, और जिस दिन वो नहीं उठता है खुद से, उसको उठाने में 10-15 मिनट चला जाता है। तो बच्चे जो है वो थोड़ा टाइम लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं उसको दे दूंगी तो वो खुद से खा लेगा, नहीं, उसको मेरे ही हाथ से खानी है। तो ये सारा कुछ करते करते कब 8:30 बज जाता है ना, पता भी नहीं चलता है। और यहाँ पे जॉन रेडी हो चुका है, और उसके स्कूल का स्वेटर उसको मिला है, बट वो जो है वो थोड़ा सा साइज में बड़ा है। और अभी देखिए न्यू बैग का उसने क्या हाल किया है, ये बच्चा कुछ भी सही से रहने नहीं देता है। तो मैंने रिटर्न करने के लिए उसको बैग में डाल दिया है। और जॉन को जो है वो 24 नंबर होता है, और ये स्वेटर जो है वो 28 नंबर का है, मतलब बड़ा से भी बड़ा है उसके लिए। तो मैंने जो है वो घर वाला ये स्वेटर उसको दिया है, उसके पापा से बोला है कि चेंज करा के उसको पहना देंगे। तो अभी जो है ये वाला स्वेटर मैं उसके बैग में ही डाल रही हूँ, तो अभी वो बोल रहा है कि मम्मा बैग में डाल दो, मैं चेंज करवा लूँगा। जॉन को स्कूल भेजने के बाद मैं भाग के गई किचन में, और बाकी जितने भी मेरे सारे काम थे ना उसको निपटा लिया। उसके बाद में यहाँ पे जो है मेरा एक्सरसाइज करना भी कंप्लीट हो गया, और ये सब कुछ करते करते मुझे बच जाते हैं 10 बजे के बाद में थोड़ी बहुत भूख लगती है, लेकिन अभी जो है वो रूम का हालत देखिए कि कैसा है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले जो है वो किचन का जो बाकी थोड़ा बहुत काम है उसको निपटा के नाश्ता वगैरह करके फिर मैं अपने रूम को ठीक करूँगी। तो आज जो है हमारे घर में मिक्स वाली दाल बनी। अभी देखिए किचन का कितना काम बाकी है, किचन का काम तो ऐसा लगता है ना कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। कितना भी बेडरूम को किचन को समेट के रख लो ना, वो थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो ही जाता है, फिर वापस से करना पड़ता है। और अगर घर में आपके बच्चे हों तब तो पूछना ही नहीं है, सबसे ज़्यादा बेडरूम का हालत। मैं उसको कितना भी सही करती हूँ, जॉन 1 सेकेंड में उसको मैस करके रख देता है, उसको टाइम भी नहीं लगता है। तो अभी जो है मैंने यहाँ पे थोड़े से लहसुन काटे हैं, प्याज काटे हैं, मिर्ची ली है, और थोड़ी सी धनिया काटी है। तो अभी जो है बारी है इसको फ्राई करने की, तो फटाफट से मैं फ्राई कर देती हूँ। और हाँ, जॉन के लिए मैंने फटाफट से उसके लिए हलवा भी बनाया था, उसको मैदे का और आटे का हलवा काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है।
बट मैं वो रिकॉर्ड करना ही भूल गई, आपको शायद वीडियो में दिखाना ही भूल गई। तो यही होता है ना, जल्दीबाजी में कुछ स्किप हो जाती हैं चीज़ें। तो मैंने उसको लंच भी बना के दे दिया है, उसके बाद में मैं ये सब कुछ फ्राई कर दूँगी। और आप सोचिए कि ये सब कुछ करते करते मुझे 10:30 हो जाता है, तो 10:30 होता है मेरे नाश्ता का टाइम। तो यही है, और अभी जो है मेरी दाल ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है, और थोड़े बहुत जो बर्तन होते हैं मैं उसको हाथों हाथ क्लीन कर लेती हूँ। और अभी जो है दादी माँ के नहाने का टाइम हो गया, तो यहाँ पे पानी उन्होंने रखा है गर्म होने के लिए, और उसके बाद में नाश्ता करके मैं तुरंत रख देती हूँ पानी, क्योंकि जब तक हमारा गीजर बन के नहीं आता ये सारी प्रॉब्लम है। और अभी हम लोग गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दिए हैं, तो ये रहा मेरा बोतल। और अभी जो है हम लोग आ चुके हैं छत पर, और छत पे आज हमारे गांव में पकड़े जा रहे हैं मंकी। तो सब कुछ तो मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूरी पे हैं लोग अपने अपने छत पे। तो यहाँ पे देखिए डंडे वगैरह लेके, पटाखे वगैरह लेके, मतलब सब लोग जिसको जैसे हो सका। और आज इन लोगों ने इतनी मेहनत की ना कि मुझे देख के ऐसा लग रहा था इनके शरीर का क्या हाल होगा। ऊपर नीचे छत पे चढ़ना कूदना, मतलब बाप रे। और जॉन को देखिए, वो फुल टू एनर्जी में हो गया, उसको लग रहा है कि वही भगा देगा। और जॉन जो है वो डरता नहीं है बंदरों से। और यहाँ पे देखिए कितने सारे कपड़े हमारे डाले गए हैं। Yes, तो मैं आ गई हूँ रूम में नहा धो के छत पे, और अभी जो है स्किन केयर किया नहीं है, बाल भी वगैरह भी मतलब सही से किया नहीं है। वो भी इसलिए क्योंकि मम्मी जो है वो मतलब अपने कपड़े डाल रही हैं, तो मम्मी के साथ ही मैं धूप में बैठती हूँ, अकेले नहीं बैठती हूँ। और दादी माँ भी आई हैं, वो इसलिए क्योंकि इतने ज़्यादा बंदर परेशान कर दिए हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर में दिखाया था कि कैसे संडे को उन लोगों को पकड़ा जा रहा था, और सुनने में आया, मतलब मुझे तो नहीं पता है, सब लोग बोल रहे थे कि 16-17 जो है वो बंदरों को पकड़ा गया है। मतलब इतने परेशान कर दिए ना कि मैं आपको सारी चीज़ें नहीं बता सकती हूँ। कपड़े वगैरह फाड़ देना, हर एक चीज़, मतलब बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो इन लोगों को थोड़ा सा भगाना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो हम लोग के गाँव में काफ़ी सारे बंदरों को छोड़ दिए हैं। तो एकदम से रात में इतना, मतलब टंकी पे चढ़ जाना, उसको कूदना, फिर ईंटें वगैरह उसको फोड़ना, इतना आतंक मचा के रखा है ना कि मतलब बर्दाश्त से बाहर है। और न जाने क्या क्या करते होंगे, वो तो मुझे नहीं पता है। तो इसीलिए अभी सोच रही हूँ कि थोड़ा सा धूप में बैठ लेती हूँ, क्योंकि ठंडी में जो है वो धूप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बैठूंगी, उसके बाद में जो है वो मैं जाऊंगी नीचे मम्मी के साथ। तो चलिए अभी देखते हैं कि सब लोग क्या कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी जो है 12:00 रहे हैं, और हम लोग नहा धो के यहाँ पे बैठे, यहाँ पे मम्मी हैं और यहाँ पे दादी माँ हैं, और डंडा वगैरह लेके बैठते हैं क्योंकि बंदर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो यही होता है हमारा डेली का रूटीन, नहा धो के अपना आ जाते हैं हम लोग, और जब 1:00 तो हम लोग नीचे जाएंगे क्योंकि जॉन के आने का टाइम होता है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।